रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहले पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत न मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोष भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस पर परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी, उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं और
इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। ब्रह्म